महंत नरेंद्र गिरी से जुड़ा रहस्यमय वीडियो। सुसाइड से पहले बनाया था वीडियो। चार मिनट के उस वीडियो में छिपे हैं कितने राज। क्या उस वीडियो से सामने आएगा मौत का सच? इस वीडियो को लेकर हमारे पास अब तक की जो भी जानकारी है वो हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे, लेकिन उससे पहले चाहेंगे कि आप हमारे साथ प्रयागराज के उस बाघम्बरी मठ चलिए जहां सोमवार को महंत नरेंद्र गिरी ने ली थी अंतिम सांस। जी मीडिया संवाददाता विशाल पांडे, विशाल सिंह और जितेंद्र शर्मा प्रयागराज में ही मौजूद है, उस बाघम्बरी मठ और उसके आसपास मौजूद है जहां महंत नरेंद्र गिरी रहा करते थे और जहां उनके भक्त उनसे मिलने आते थे। जी मीडिया संवाददाता विशाल पांडे ने इस मठ की हर तस्वीर अपने कैमरे में रिकॉर्ड की और उसके बाद उस कमरे तक भी पहुंचे जहां महंत नरेंद्र गिरी ने कथित तौर पर आत्महत्या की। प्रयागराज में इस वक्त मैं बाघम्बरी मठ में मौजूद हूं और इसी जगह पर महंत नरेंद्र गिरी बैठकर लोगों से मिला करते थे। ये उनका बैठका था और यहाँ से थोड़ी ही दूरी पर उनका अपना निजी कमरा था। इस फर्स्ट फ्लोर पे वो रहा करते थे इस मठ में। और इसके अलावा जो जानकारी मिल रही है हम लोगों को, उसके मुताबिक 20 सितंबर को वो इस जगह से उठकर इसी कमरे के पास आए। ये छोटा सा कमरा यहाँ पर बना हुआ है, यहाँ पर वो आराम करने के लिए गए और उसके बाद से इस कमरे से बाहर वो नहीं निकले और ये कमरा इसी में रहा करते थे। और बताया जा रहा है कि जब देर शाम तक महंत नरेंद्र गिरी अपने इस कमरे से बाहर नहीं निकले, गेस्ट रूम था ये, तो फिर जो यहाँ के उनके शिष्य थे उन्होंने दरवाज़ा धक्का दे के तोड़ा और अंदर गए तो देखा कि वो पंखे पर लटके हुए थे। प्रयागराज में मौजूद जी मीडिया के एक और संवाददाता विशाल सिंह को चश्मदीद बबलू मिला। ऐसा कहा जा रहा है कि बबलू ने ही महंत का पार्थिव शव पंखे से नीचे उतारा था। बबलू ने जी मीडिया की टीम को सोमवार की घटना के बारे में पूरी बात बताई। महंत नरेंद्र गिरी की मौत को लेकर तमाम तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। सबसे पहले बबलू जी ने महंत नरेंद्र गिरी का शव देखा था, हमारे साथ बबलू जी उनसे बात करते हैं। बबलू जी, क्या कुछ आप लोगों ने देखा था वहाँ पर? डेली के रूटीन के हिसाब से महाराज जी जब नहीं बाहर निकले तो हम लोग हल्का सा दरवाज़ा खटखटाए, उनके फ़ोन पे फ़ोन किया गया क्योंकि कुछ भगत आए थे उनको गुरु मंत्र देना था, तो महाराज जी का फ़ोन नहीं उठा। उसके बाद दरवाज़ा खींचा गया तो दरवाज़ा अंदर से बंद था, फिर धक्का दे करके दरवाज़ा को जब धक्का दिया गया छिटकनी निकल गई उसकी, फिर महाराज जी को देखा गया कि वो पंखे में रस्सी के सहारे लटकते हुए अवस्था में मिले, फिर हम लोगों ने पुलिस को सूचना दिया। अच्छा, दरवाजा जो है तोड़ा गया था या आप लोगों ने धक्का दिया? दरवाजा अंदर से बंद था कुंडी, उसको हम लोग जब धक्का दिए तो उसकी कुंडी टूट के निकल गई, अभी भी वो निकली है। पहले तो ऐसी जानकारी मिल रही थी कि बाघम्बरी मठ में मौजूद लोग नरेंद्र गिरी के कमरे का दरवाजा तोड़कर अंदर घुसे थे, लेकिन FIR में जिक्र है कि दरवाजे को धक्का देकर खोला गया था। FIR से ये भी जानकारी मिली कि हर दिन की तरह सोमवार को भी महंत नरेंद्र गिरी दोपहर के करीब 12:30 बजे भोजन करने के बाद बाघम्बरी गद्दी के कक्ष में विश्राम करने के लिए चले गए थे। हर दिन वो दोपहर के करीब 3 बजे चाय पीते थे, लेकिन सोमवार को उन्होंने चाय के लिए पहले ही मना किया और कहा कि जब चाय पीना होगी तो वो स्वयं सूचित करेंगे, लेकिन शाम के करीब 5 बजे तक उनकी तरफ से कोई सूचना नहीं मिली। तो FIR के मुताबिक चिंतित सेवादारों ने उन्हें फोन करना शुरू किया, लेकिन उनका फोन भी बंद मिला। यानी इस मामले में सस्पेंस एक नहीं बल्कि कई सारे हैं और सबसे बड़ा सस्पेंस तो उस वीडियो को लेकर गहरा गया है जिसके बारे में दावा किया जा रहा है कि महंत नरेंद्र गिरी ने ये वीडियो मौत से ठीक पहले बनाया था। प्रयागराज में मौजूद जी मीडिया संवाददाता जितेंद्र शर्मा ने इस वीडियो से जुड़ी एक्सक्लूसिव जानकारी दी। महंत नरेंद्र गिरी के पास से यूपी पुलिस को एक मोबाइल फोन मिला है जिसमें उनका 4 मिनट का रिकॉर्डेड वीडियो है। पुलिस अब इस वीडियो की जांच के लिए इस मोबाइल को फोरेंसिक जांच के लिए भेज रही है ताकि ये पता लगाया जा सके कि ये वीडियो कब बनाया गया था और क्या ये वीडियो बिल्कुल सही है जो बातें इसके अंदर कही गई है। फोरेंसिक टीम अब इस वीडियो का सच जानने के लिए फोन की जाँच करेगी और उस जाँच में 4 मिनट के इस वीडियो के हर राज से पर्दा उठेगा और मुमकिन है कि महंत नरेंद्र गिरी की संदिग्ध मौत का सच भी
इस वीडियो की सच्चाई के बाद सामने आ जाए। प्रयागराज से संवाददाता विशाल सिंह, विशाल पांडे और जितेंद्र शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।